नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट नया टाउनशिप बनाना चाहती है जिसका नाम जातिया देवी टाउनशिप होगा, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा शिमला से। इस नए टाउनशिप को बनाने के पीछे स्टेट गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कि स्टेट की कैपिटल जो कि शिमला है उसको डीकंजेस्ट करना। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, जैसे कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है और इकोलॉजिकल डैमेजेस भी हो चुके हैं, क्योंकि वह सिटी की कैपिटल है। सो कैपिटल में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। सो स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है कि वो अपने कुछ ऑफिसेज को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे ताकि कुछ लोग वहाँ पर परमानेंटली मूव हो जाएं, परमानेंटली वहाँ पर रहने लगें। स्टेट गवर्नमेंट के इस नए टाउनशिप के प्रपोजल को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से अप्रूवल भी मिल चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है माउंटेन टाउनशिप के नाम से, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट 1,000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड करेगी। अगर कोई हिली स्टेट नया टाउनशिप बनाता है, जिसमें कि काफ़ी स्टेट्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, जिनके नाम है सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स ने रिसेंटली मीटिंग भी की है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ, ताकि इनकी स्टेट में भी नया टाउनशिप बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट की कम फंडिंग होगी और सेंटर की ज़्यादा फंडिंग होगी अगर कोई स्टेट नया टाउनशिप बनाती है। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है अपनी DPR को लेकर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर। हिमाचल प्रदेश की जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की अथॉरिटी है, उसने 35 हेक्टेयर लैंड को जैतिया देवी के पास एक्वायर भी कर लिया है। इसके अलावा 100 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड को भी एक्वायर करना होगा अगर फुल फ्लैज सेल्फ सस्टेनिंग माउंटेन टाउनशिप को बनाना है। इस नए टाउनशिप में हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड बैंक्स बनाए जाएंगे, पार्क्स भी बनाए जाएंगे ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। इस नए टाउनशिप को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि आने वाले काफ़ी टाइम तक लोगों को ट्रैफिक, वाटर एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की सामना ना करना पड़े। हम सभी को पता है कि आज हिमाचल प्रदेश फ्लड्स, ज़्यादा रेनफॉल, बादल फटने की और लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इस शहर को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि लोगों के घरों को कोई नुकसान ना हो इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, और नेचर को भी ध्यान रखा जाएगा ताकि नेचर को कम से कम प्रॉब्लम हो इस नए टाउनशिप में, और ज़्यादा से ज़्यादा एरियन ग्रीन होगा। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। हिमाचल की गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय से एफर्ट कर रही है ताकि यह टाउनशिप बनाया जा सके, पर आज तक यह एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। परंतु आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है इस टाउनशिप को बनाने में, देखते हैं आगे क्या होगा। रिसेंटली ही 15 अगस्त को सेंटर की टीम ने विजिट भी किया था साइट पर, उसके बारे में भी अगर कोई न्यूज़ आएगी तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आपका क्या ख्याल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नया शहर किस तरह से बसाना चाहिए? क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है? किस प्रॉब्लम्स का ध्यान रखा जाए इस शहर को बनाने में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।